सो मैं आ चुकी हूँ कॉलेज से और अभी टाइम हो रहा है 4:45 और सुबह से नहीं मैंने किया है कोई ब्लॉग और टाइम ही नहीं मिला था आजकल। एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं और मतलब 8:30 का टाइम होता है कैब आने का और हम उठ रहे हैं 8 बजे, 8:05 पर, 8:10 पर, कैसे यू जस्ट इवन कैंट इमेजिन हम किस तरह से भाग भाग कर रेडी होकर पूरी तरह से और फिर कॉलेज जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा यू नो डिस्टर्बिंग थोड़ा रूटीन चल रहा है, हमारी आदत हो गई है 2 बजे से पहले रात में नींद ही नहीं आती है और पता नहीं क्या है ना, तो बस इसी के लिए बहुत जल्दी जल्दी ऐसा हो जाता है और मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाती हूँ मॉर्निंग में। और अभी टाइम हो रहा है 4:45 जैसे कि मैंने बताया था और अभी चेंज कर लेते हैं, चेंज करके फिर एक्चुअली मुझे हेयर वॉश भी करना है क्योंकि कल थर्सडे है, कल मेरा फास्ट है, तो मैं पूरा रेडी हो जाती हूँ उसके लिए और फिर बस चेंज करके चलते हैं नीचे चाय लेने के लिए और मैं आपसे मिलती हूँ फिर बाद में। सो गाइस नाउ आई एम ऑल सेट फॉर द डे और अभी बस मैं टेरेस पर जाऊंगी, मुझे हेयर ड्राई करनी है और नहीं तो मेरे को हेडेक हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे फील हो रहा है हेडेक, अब मुझे टेरेस पर जाके थोड़ा सा इसको हेयर ड्राई करना है, नहीं तो मैं अपने ड्रायर यूज़ कर लूँगी इसको ड्राई करने के लिए, अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ से नाक से स्टार्ट हो गया, मुझे ना कोल्ड जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो मैं नहीं चाहती यार, क्योंकि गर्मियों में जो कोल्ड होता है ना भाई साहब एक्चुअली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है इसमें तो। और वैसे भी मुझे ना इस मौसम में बहुत जल्दी यू नो कोल्ड हो जाता है, गला ख़राब खराश वगैरह, तो मुझे उसको अवॉइड करना है तो मैं बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकती। तो अभी चलते हैं टेरेस पर, ठीक है। और शंपा जी ने अभी चाय बनाई नहीं है, पता नहीं शी इज़ गॉन समवेयर और उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पता नहीं कितनी देर में उनकी चाय बनेगी, तो अभी मैं थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। गाइस नाउ आई एम ऑल सेट, सो अभी चलते हैं नीचे चाय लेने के लिए और शंभा जी का स्पेशल कॉल आया है कि भाई चाय खत्म हो जाएगी इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो चलिए। तो गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ टेरेस पर और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है यहाँ पर और धूप भी हल्की हल्की अच्छी लग रही है और बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे टहल लेती हूँ। बाल अभी थोड़े से गीले हैं और मैंने टॉवल बांध के रखा हुआ था बहुत देर तक, फिर मेरी मम्मी को वीडियो कॉल किया तो उन्होंने मुझे डांटा, यार इतनी देर हो गई है तूने टॉवल नहीं खोला है, ये है वो है, हेडेक हो जाएगा, और लिटरली मेरे को अभी हेडेक हो ही रहा है, तो इसलिए मैं अभी आ चुकी हूँ टेरेस पर, थोड़ा सा वॉक करती हूँ और उसके बाद फिर नीचे जाती हूँ, जब बाल सूख जाएंगे और ज़्यादा गीले रहेंगे तो मैं हेयर ड्राई करती हूँ। देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना यहाँ से पूरा सनसेट का और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे टाइम लैप्स ले लूँ सनसेट का, काफ़ी अच्छा बनेगा फिर क्योंकि बैल्कनी से ना, मेरी बैल्कनी ये वाली है, दिस वन सेकंड वन ना, ये मतलब यहाँ पे सॉरी ये वाली, हाँ तो वहाँ से ना अच्छे से आ नहीं पाता है व्यू, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर रख के मैं मस्त ट्राइपॉड लगा कर स्टैंड लगा के इसका सनसेट ले लेती हूँ, सनसेट टाइम लैप्स ले लेती हूँ, काफ़ी अच्छा आएगा। और यहाँ पर गई है अभी मच्छर मारने वाली दवाई और सभी को मोस्टली लोगों को इसकी स्मेल बहुत गंदी लगती है बट मुझे ना हल्की से अच्छी लगती है। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे, तो आज डिनर में है छोले चावल एंड चपाती। सो गाइस मैंने डिनर कर लिया है और अभी वॉक कर रही हूँ अपनी बालकनी में
और उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली अभी जाऊँगी सोने के लिए। सो अभी मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, तो बस ऐसे ही है। तो इस ब्लॉग में ये एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।